हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस 2013 का क्वेश्चन सोल्यूशन, और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 21 लिया है। ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। देखो स्टूडेंट, इसमें फार्मूला वही लगा लो, 16 होती है ऑक्सीजन H2O में, ठीक है, और H2O का टोटल होता है 18, तो 16/18 और इनटू जितना वाटर की वैल्यू दे रखी, वेट दे रखा 90 kg, ठीक, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 18 5 जा, यानी 80 kg ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा 80 kg। ठीक है, द एम्पलीफायर डिवाइस इज, देखो स्टूडेंट, आप भी पढ़े होंगे, जब इंटर्न पढ़ते होंगे तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर आप पढ़ते ही हैं जो है, तो दूसरा इसका करेक्ट है आंसर। ठीक है, ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ओजोन को O3 लिखते हैं, यानी 3 एटम है, दूसरा सही है। ठीक है, द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट्स डाइपोल मोमेंट, CCl4 इसमें आएगा ना, CCl4 यानी CCl इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। ठीक, अब C से इधर डाइपोल मोमेंट, इधर डाइपोल, इधर डाइपोल, इधर डाइपोल बनाएंगे तो नेट जो है अपोजिट हो जा रहे हैं, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये वाले इसका अपोजिट हो जाएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा। CCl4 में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टिंचर आयोडीन इज ए अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, देखो स्टूडेंट, पहला मॉडल जो दिया था जे थॉमसन ने दिया था, जिसको तरबूज मॉडल भी लोग कहते थे। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिवन बाय, तो स्नेल्स लॉ कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मेथेन, मेथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, तो हमारा इसमें जो है sp3 है, 8 में हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, देखो स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा CO2 है, सी ऐसे बनता है वो CO2, इसमें लीनियर मॉलिक्यूल होगा CO2, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है और बाकी सब वी शेप्ड वाले हैं जो है। ठीक है, वन केजी वेट इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट, W इज इक्वल टू 1 mg होता है, W इज इक्वल टू mg, तो m की वैल्यू 1 रख दो, g की वैल्यू 9.8 रख दो, तो यह आ गया 9.8 न्यूटन, तो 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए मेटल
इन विच इवन आयरन कैन फ्लोएट, तो मरकरी में आयरन फ्लोएट हो सकता है क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 × 10³³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि आयरन की होती है नियर अबाउट 7.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, ये मरकरी यानी HG की है और ये आयरन यानी F की है। ठीक है, तो आयरन की डेंसिटी कम है तो वो मरकरी में फ्लोएट कर सकता है। ठीक है, द एलिमेंट फाउंड मोस्ट अबाउंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट इज, देखो स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन है जो कि 46.1% है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, 46.1% है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल इज, तो देखो स्टूडेंट एस में होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। ठीक, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ए मीटर इज इक्वल टू द, तो देखो स्टूडेंट 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻¹० मीटर, तो 1 मीटर का अगर निकालना है तो इधर आएगी पावर प्लस का हो जाएगी 10⁻¹० एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ AnH3CCl3 इज 33, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए विल बी, इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ENA ऑफ AnH3CL3 इज इक्वल टू 33, देन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए विल बी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट इसको दो पार्ट में अलग कर लो, Cl वाला अलग कर लो, तो हमारा हो गया AnH3 6। ठीक, और इस पर आ गया हमारा प्लस का 3 आ जाएगा क्योंकि इधर हम Cl को अलग करेंगे, 3Cl माइनस का आएगा। ठीक, अब इन दोनों को अलग करने के बाद इसमें जो हमारा आ रहा है इसमें ध्यान से देखो, ये 3+ का आ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, और कोऑर्डिनेट नंबर जो है इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो जाएगा, फार्मूला वही लगा दो। ठीक, 33 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस 2 × कोऑर्डिनेट नंबर, यहाँ से आ गया जेड, जेड इज इक्वल टू 33 और माइनस 9 आ जाएगा। ये देखो 6 × 2 = 12 हुआ, ये माइनस का 3 प्लस का 12 हुआ, तो हो जाएगा प्लस का 9, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 24 आ गया। खुद सॉल्व करिए और खुद लगाइए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें थर्ड वाले में आएगा जिसमें 5 है। ठीक है,
व्हेन वाटर फ्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। देखो स्टूडेंट, वाटर जब फ्रीज होता है, जमता है, यानी 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री के आइस में मेल्ट होता, आइस में फ्रीज होता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब कि उनके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एसीटोन इज मिक्स्ड विथ ब्लीचिंग पाउडर टू गिव, देखो स्टूडेंट, अगर एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर में मिक्स करते हैं तो उससे क्लोरोफार्म जनरेट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्लोरोफार्म। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस द इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कॉन्टीन्यूअस डिस्क्रिएट इंटीजर मल्टीपल्ड एच न्यू ओनली एच न्यू जीरो। सेकेंड ऑप्शन इसमें आएगा स्टूडेंट, प्लांक कहते हैं जो है कि किसी भी सोर्स से एनर्जी जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं है, होती है डिस्क्रिएट होती है। किसी सोर्स से एनर्जी का इमिशन कॉन्टीन्यूअस ना हो करके डिस्क्रिएट होता है, और यह मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एच न्यू होता है, यानी एच न्यू होगा टू एच न्यू होगा, ठीक, 3 एच न्यू होगा, ठीक, ऐसे होगा। ठीक है, इनके बीच में नहीं होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रिएट होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, द स्लो